हम डीलर को चैलेंज करते हैं और जो यहाँ के सरकारी पदाधिकारी हैं उसको हम चैलेंज करते हैं। कोरोना काल में विपक्ष हो या विपक्ष हो, सारे को एक प्लेटफार्म पर आकर जनता का सेवा करना, जनता को सेवा करने का उद्देश्य रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के पूर्व जिला पार्षद प्रमुख पति स इस्लामपुर प्रखंड के राजद प्रवक्ता मिथिलेश यादव। हम इनसे जानेंगे बिहार के जो मौजूदा परिस्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कोरोना काल में केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसके ऊपर जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों को क्या क्या सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको नालंदा दस्तक को। मिथिलेश जी, अब हमको ये बताइए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो ग्रामीणों को सुविधा दिया जा रहा है वो लोगों तक किस प्रकार पहुंच रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो बीपीएल धारी हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, दोनों केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा मई महीना का जो खाद्यान्न वितरण और खाद्यान्न देने का जो घोषणा की सरकार, केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, तो जमीनी हकीकत है जिससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सरकार ने घोषणा कर दी, सरकार ने सभी लाभार्थियों को दो महीना मुफ्त में अनाज देने की बात कही। मैं पिछले बार भी हुआ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार को बधाई देता हूँ कि गरीब गुरबाओं के प्रति सोच उन्होंने अच्छा रखा, लेकिन जो खदान वहाँ से उठकर FCI गोदाम से जो खदान जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा जो खदान उठकर गांव एवं पंचायत में आ रही है उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। सबसे पहले कि सरकार ने कोरोना को प्रोटोकॉल लागू किया है कोरोना में, कि कोई भी दुकान, कोई भी सरकारी हो या गैर सरकारी हो या निजी प्राइवेट हो, दुकानदार चाहे जन वितरण प्रणाली का दुकानदार हो, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही दुकान खुलना है। तो सरकार के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है वो प्रोटोकॉल को सर्वप्रथम उल्लंघन कर रहे हैं। आपको 6 बजे से 11 बजे दिन तक दुकान खोलना है, लेकिन इस अंधेरी रात में कालाबाजारी करने के उद्देश्य से खाद्यान्न उठाने के लिए 6 बजे शाम से 9 बजे रात में बुलाया जाता है और 6 बजे से दुकानें खोला जाता है शाम से, शाम में जो घोर कोरोना का उल्लंघन हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और जिलाधिकारी यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस्लामपुर प्रखंड एवं बौरीडीह पंचायत में जांच करवा लें कि आपने जो कोरोना का प्रोटोकॉल लागू किया है उसका जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि जो 2 महीना का फ्री अनाज देने की बात कही है सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने गरीब गुरबाओं को 2 महीने की अनाज देने की बात कही है, तो सरकार तो घोषणा कर दी, लेकिन यहाँ कहाँ दाव पेच हो रहा है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जो हम यदि कार्डधारी हैं, हम परिवार का मुखिया हैं, परिवार का मुखिया हैं, तो कार्डधारी में मेरा 5 परिवार है, कार्ड में दर्शाया हो कि मेरा 5 परिवार है, तो 5 परिवार का लेके हम जाते हैं लोग गरीब गुरबा डीलर के पास, कार्ड लेकर के जाते हैं कि मेरे में 5 लोगों का नाम अंकित है। तो डीलर के द्वारा
ऐसे भोली भाली जनता को कहा जाता है, खास करके इस पंचायत में अधिक कहा जा रहा है कि इस कार्ड में आपका 5 परिवार का नाम है। 5 परिवार में से मात्र 2 परिवार का ही आधार कार्ड लिंक है, इसलिए 2 परिवार के ही हम खदान उठाओ होगा आपको। मतलब कि 3 परिवार का खदान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 परिवार का मिलेगा। हम बता रहे हैं दाव पेच के बारे में बता रहे हैं। तो उसको बेचारा गरीब गुरबा है, वो अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ वैसे कार्डधारी को जो उनको मैंने सूचना देने का काम हम कर रहे हैं कि नहीं, वो जब मुखिया का एक भी परिवार का यदि आधार कार्ड से लिंक है तो 5 का गल्ला उठता है। जो डीलर द्वारा कहा जा रहा है कि 2 का गल्ला उठेगा, ये नहीं है। हम डीलर को चैलेंज करते हैं और जो यहाँ के सरकारी पदाधिकारी हैं उसको हम चैलेंज करते हैं कि जो पॉक्स मशीन में से रसीद निकलता है, जो पर्ची निकलता है, एक भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार खाता धारक को नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि जब अंगूठा एक परिवार लगाता है तो उसका टोटल परिवार का गल्ला उठता है, तो जब पर्ची मिल जाएगा तो पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए वो पर्ची नहीं दे पाता है। मतलब कि ढकार जाता है 3 आदमी का, 3 आदमी का टोटल अनाज खा जाता है। अभी 2 महीना का है तो 5 × 2 = 10 किलो उसको दे दिया, 10 × 2 = 20 किलो दे दिया, उसको होता है 25 × 50 = 50, तो 20 किलो दे दिया, 30 किलो डाइट कर दिया और बोला कि आपको तो है ये नहीं, 2 परिवार के। भोली भाली जनता जानती है कि हमारे तो 2 परिवार के हैं, इसलिए उतना डल्ला लेके चला जाता है। यह यहाँ के सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार के गृह जिला की सरकार, यहाँ से लेकर कलेक्टर से लेकर SDO तक सारे भ्रष्टाचार के अंतिम सीमा पार कर गए हैं इस कालाबाजारी में। मतलब कि आपदा को अवसर बना रहे हैं, आप यह कहना चाह रहे हैं? आपदा नहीं है, आपदा को इन लोग अवसर में तब्दील कर दिया है और आपदा के नाम पर गरीब गुरबाओं को खादान को लूट कर रहा है। और दूसरी बात, जब लोग कुछ जानते हैं, ग्राम देहात के लोग हैं, गांव देहात के लोग को मैंने बताने का काम किया कि आप किसी भी डीलर से, आप तो कार्डधारी हैं, आपके पास आधार कार्ड है, ये नहीं कि जो डीलर पहले अनाज दे रहा था, खादान दे रहा था, हम उसी के पास जाएं, ऐसा नियम नहीं है। किसी भी दुकान से ले सकते हैं? बन नेशन बन कार्ड हुआ है। अच्छा। सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि बन नेशन, एक देश एक कार्डधारी, मैंने हम हिंदुस्तान के कोई कोना में रहें, कहीं से भी कार्ड के और आधार कार्ड से हम गल्ला उठा सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करने का काम किया तो बौरीडीह पंचायत में जो डीलर हैं उसको जाके धमकाने का काम करता है कि आप यदि दूसरे डीलर के यहाँ से अनाज जाके ले लीजिएगा तो आपका नाम अगले महीना में कट जाएगा। तो इसलिए कार्ड धारक को, मतलब कि दुकानदार जाकर के धमका रहे हैं, दुकानदार धमका रहे हैं कि आप यदि दूसरे डीलर से अनाज ले लीजिएगा तो आपका अगले महीने से अनाज नहीं उठेगा। तो यहाँ सारे पदाधिकारी के मिली भगत से घोर इस्लामपुर प्रखंड में कालाबाजारी हो रही है, जिस हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग सारे प्रोटोकॉल को भूलकर रोड पर भी उतरना पड़ेगा इस कोरोना काल में। तो हम लोग सारे राष्ट्रीय जनता और महागठबंधन के लोग रोड पर उतर कर इसका ध्वज उड़ा देंगे। मिथिलेश जी, आप एक बात और बताइए कि जैसे कि 15वीं वित्त आयोग है, पंचायत का जो 5 साल कार्यकाल होता है वो समाप्त होने को है, 15वीं वित्त आयोग के द्वारा जनता को क्या क्या सुविधा मुहैया करवाई जा रही है? सबसे पहले इस्लामपुर प्रखंड के अंदर, इस्लामपुर 174 इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, तो एक इस्लामपुर प्रखंड है, एक एटंगर प्रखंड है। तो हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते हमारे माननीय विधायक श्री राकेश रोशन जी ने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखने का काम किया कि जो यह क्षेत्र है गरीब गुरबा के आधारित क्षेत्र है दोनों प्रखंड, तो एक इस्लामपुर रेफलर अस्पताल है, एक एटंगर PSC है,
दोनों में ये कोरोना काल में 55 जो बेड 55 बेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का सरकार द्वारा व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन हम लोग जब एक विकास की बात करते हैं, हम लोग जब कोरोना की बात करते हैं, तो जो सत्ता पक्ष में माननीय एमपी साहब हों या माननीय मंत्री जी हों या माननीय विधायक जी हों, उसको विपक्ष के नज़रिया से देखा जाता है। तो इस अभी इस कोरोना काल में विपक्ष पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे को एक प्लेटफार्म पर आकर जनता का सेवा करना, जनता को सेवा करने का उद्देश्य रखना चाहिए। और जो माननीय विधायक ने श्री राकेश रोशन जी ने जो मुख्यमंत्री को अवगत कराया, आज तक इस्लामपुर में धरातल पर उतरने का काम नहीं हुआ है। एक भी सुविधा आज गाँव में आरटीपीसीआर जांच होनी चाहिए, और यहाँ देहात में आरटीपीसीआर चाहे एंटीजन उसका किट से जांच नहीं हो रहा, तो तब तक तो कोरोना संक्रमण अधिक हो जाएगा। तो इसलिए हम मान करते हैं, एक भी व्यवस्था नहीं है यहाँ सरकार के द्वारा, नहीं जांच की व्यवस्था है, नहीं जो वैक्सीन लेना है वैक्सीन देना है, फूल है गाँव देहात में जाकर उसको वैक्सीन लगवाना चाहिए था, जिस तरह से 1995 या 96 में माननीय लालू यादव ने पल्स पोलियो का टीकाकरण लगवाया हरेक गांव में, उसी तरह गांव में जब तक वैक्सीन नहीं लग रहा, जब तक हम लोग कोरोना काल से विजय नहीं पाएंगे, कोरोना पर हम लोग काबू नहीं पा सकते हैं। इसलिए यहां जो सरकार के द्वारा दिन रात जो घोषणा किया जा रहा है सब छलावा है। एक भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी आप हॉस्पिटल में जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि पारासीटामोल गोली नहीं मिल रहा है, जो अभी कोरोना में सबसे अधिक उपयोग कारगर है, एक भी दवा नहीं है, जो कोरोना के लड़ाई में जो दवा उपलब्ध होना चाहिए एक भी नहीं है। हम लोग का कल बैठक है कोरोना काल पर, माननीय विधायक की अध्यक्षता में हम लोग तो पार्टी के ऑफिस में कल बैठक है, हम लोग 2 करोड़ रुपया सभी विधायक से ले लिया गया, आपके विधायक दे दिए सारे विधायक का जो फंड था 3 करोड़, माननीय नीतीश कुमार जी ने कोरोना के नाम पर 2 करोड़ रुपया ले लिए विधायक लोग से, लेकिन जब अगले वर्ष जब 50 लाख रुपया लिए हर एक विधायक से, उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ। हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कई बार विधानसभा में मांग करने का काम किया कि कोरोना काल का सर्वदलीय बैठक हो, सर्वदलीय कमेटी बने, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बना। कमेटी इसलिए नहीं बना कि जो घोटाला हुआ है उसका उजागर न हो, इस डर से माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक कोई कमेटी बनाने का काम नहीं किया। और अभी हम आपको बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि जो 15वें वित्त आयोग है पंचायत के अंदर, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे हैं कि आप इस पैसा से मास्क और सैनिटाइजर और साबुन बंटवाने का काम करें पंचायत में। और दूसरी तरफ यहाँ के जिला पदाधिकारी माननीय जोगिंदर सिंह जी, DPRO, यहाँ की BDO, सभी जनप्रतिनिधि पर दबाव बना रहे हैं कि आपको मास्क जो बांटना है वो जीविका समूह से मास्क लेना है। और देखिए जीविका समूह का यही मास्क है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जीविका समूह का यही मास्क है, और ये मास्क का कीमत मुश्किल से 4 से 5 रुपया है, और सरकार जो सरकारी पदाधिकारी हैं अब इस पर दबाव बना के सभी मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो उस पर दबाव बना रहे हैं पदाधिकारी कि आप जब भी खरीदारी करें तो जीविका समूह से खरीदारी करें, और उनका कमीशन सीधे कलेक्टर के पास जाएगा, इसका 15 रुपया रेट लिया जाएगा। इधर भी मतलब कि अवसर देख रहे हैं, इसका 15 रुपया रेट लिया जाएगा और सीधे ही डायरेक्ट कमीशन जाएगा यहाँ से। RCPC टैक्स हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं सारा टैक्स का वसूली RCPC टैक्स में वसूली होगा। हम बताना आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि 15 रुपया का मास्क है। अच्छा, हम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 रुपये का मास्क है कि नहीं, आगे बोलिए। तो हम मान करते हैं कि जो भी कोरोना से बचाने के लिए जो पदाधिकारी यहाँ के DM है, किसी जनप्रतिनिधि पर दबाव नहीं बनाएं और अच्छे से अच्छे मास्क बंटवारा करवाएं, अच्छा साबुन बंटवारा करें, ये नहीं कि एक दुकानदार को दे दें पूरा एजेंसी, जिस तरह नल जल में उन्होंने करने का काम किया और सारा कमीशन RCP टैक्स में चला गया,
इससे जनता को बचावे, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। तो ये थे मिथिलेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि सरकार इस आपदा में, इस आपदा को अवसर बनाने में लगी हुई है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर जिला के अधिकारी हो या फिर ब्लॉक के अधिकारी हो, हर लोग आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। और ये जो डीलर के प्रति जो बोले, अगर आप कार्डधारी हैं और आपके कार्ड में 5 लोगों का नाम अंकित है और अगर वहाँ के डीलर बोल रहा है कि 2 आदमी का कार्ड लिंक नहीं है, तो आप बिल्कुल अनाज नहीं लें। आप अपने ऊँचे अधिकारी के पास जाएं, उनसे बताएं कि हमें 2 लोगों का ही डीलर अनाज दिया जा रहा है, 3 लोगों का क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों का, इन तमाम सवालों का इन्होंने प्रमुखता से जवाब दिया। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।